सोलन जिलावासी बाजार से जो भी खाद्य पदार्थ खरीदें वो उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य वस्तुओं के सैंपल बाजार से लिए जाते हैं और अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो विभाग कार्रवाई अमल में लाता है, ताकि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में कोई भी विक्रेता मिलावटी सामान बेचकर खिलवाड़ ना करे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर की टीम समय समय पर सोलन जिला के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण भी करती है। विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा सरसों के तेल के सैंपल भरे गए थे। ये सभी सैंपल विभिन्न कंपनियों के थे और जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए थे। उन्होंने बताया कि ये सभी सैंपल दुरुस्त पाए गए हैं, किसी भी तरह की मिलावट इन सैंपलों में नहीं पाई गई है। वहीं 3 सैंपल बेसन के भी लिए गए थे, ये सैंपल ठीक नहीं पाए गए हैं। ये सैंपल मानकों के अनुसार नहीं है, इसलिए विभाग द्वारा संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब विभाग इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में ला रहा है। FSSAI की डायरेक्शंस पर एक जो एडिबल मस्टर्ड ऑयल है उसका सर्वे करने के आदेश आए थे। उसके तहत जिला सोलन में 11 डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स के मस्टर्ड ऑयल के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे और टेस्ट में सभी ब्रांड के सैंपल पास हो गए हैं, वो कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड है। साथ ही 2 सैंपल और एक बेसन का सैंपल लिया था जो कि मिसब्रांडेड आया है। इसमें FBO को नोटिस दिया है, अगर वो इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी लेबोरेटरी में अपना सैंपल टेस्ट करा सकता है। जो मेन इशू वही था कि मस्टर्ड ऑयल में कोई और तेल तो नहीं मैन्युफैक्चर मिला रहे, तो वो अब जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के 11 सैंपल लिए तो सभी के सभी पास, कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड आए।